आगे मैं आपसे मिलने के लिए वापस एक प्यारी सी डिश लेके, बहुत ही इजी, बच्चों के लिए है, बच्चे खा सकते हैं, बच्चे खुद बना के खा सकते हैं। ये है एग की डिश। बहुत टाइम के बाद एग का आइटम बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने मना किया था नॉनवेज मत बनाओ, नहीं बनाती, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं बनाओ। तो आज मेरा मन किया कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए ऐसी डिश बता दूँ क्योंकि सिंपल वैसे खुद भी बना के खा सकते हैं। वो डिश को कैसे बनाएंगे हम, उसके लिए लेंगे ब्रेड और अंडा, और बहुत ही सिंपल और इजी झटपट बनती है। चलिए पहले सीखते हैं उसको कैसे बनती है। आज जो मैं आपको डिश बताने वाली हूँ वो बनेगी एग से, लेकिन मैंने एक एग अंडे को, ओनली वन एग, इसमें मैंने बाउल में तोड़ के डाल दिया और थोड़ा सा उसको चम्मच से काट लीजिए या मिक्स में जो भी कर लीजिए। और ऐसे आपको ब्रेड के पीस झटपट फटाफट दो कट करने हैं, और मैं उसमें डालूंगी अपना थोड़ा सा, देखिए एकदम थोड़ा सा नमक, एक क्योंकि मैं एक ही अंडा लिया, एक ही अंडे का बता रही हूँ आपको। इसके लिए आपको जितने ही लोगों को खाना है वो हिसाब से बना लीजिए। और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें रेड चिली, देखिए कितनी कम है, और थोड़ी सी डालेंगे ब्लैक पेपर, दैट्स ऑल। और इसको अच्छे से हम फैट लेंगे। और इधर देखिए तवा मेरा गर्म है, तवे पे हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये 5 मिनट में बनता है, जैसे ही भूख लगे आप तुरंत बनाइए और खाइए। होटल जैसे आपको मस्त इसको फैट लेना है। और अभी हम लेंगे अपनी ब्रेड, इसमें ब्रेड को कर देंगे डिप ओनली 5 सेकेंड के लिए, ज्यादा देर नहीं रखना, पूरी नरम पड़ जाएगी। आपको बस ऐसे डालना है इसमें और चम्मच से आपको निकाल देना है फट से, और इसको उठा के हम ले लेंगे अपने डायरेक्ट तवे पे। देखिए ऐसे हम दूसरा पीस ऐड कर देंगे उसमें, ये देखिए इसको ज्यादा देर रखेंगे नहीं, ज्यादा देर रखेंगे तो पूरी नरम पड़ जाएगी ब्रेड, गीली हो जाएगी तो पूरी बेकार हो जाएगी बस, और अंडा भी कम लगेगा। देखिए एक अंडे में 2 पीस ब्रेड के बन जाएंगे, 1 पीस के 2 पीस देखिए बन जाएंगे, मीन्स 4 पीस आपके रेडी हो जाएंगे। देखिए ये बच्चों को बहुत ही मजेदार लगती है, बहुत ही इसका टेस्ट सुपर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि एकदम झटपट फटाफट बनती है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरी चीजें झटपट फटाफट बनती है। देखिए अभी इसको आप पलटी कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे जो दूसरे पीस पड़े हैं, देखिए वह ओनली 1 एग में 2 पीस ब्रेड के, देखिए इसको डिप करिए, ऐसे रेडी कर लीजिए। जैसे ही आपके बच्चे मांगे मम्मी भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, बस लो। जो बच्चे अंडे खाते हैं या खुद भी आप खाते हैं, ये देखिए मैंने इसलिए बताया, एक अंडे के अंदर देखिए 2 पीस ब्रेड के, मीन्स एक पीस को कट किया तो 4 पीस आपके रेडी। और बात करते करते देखिए ये हो गए रेडी। अब मैं इसको करती हूँ प्लेट। देखिए देखिए मैंने दूसरे पीस भी डाल दिए, ये देखिए मेरा बाउल हो गया खाली, मैंने दूसरे पीस भी डाल दिए इसमें ब्रेड के, और इसको भी अभी कर देंगे पलटी। 5 मिनट में कितने कम तेल में बन जाती है डिश, और बच्चों के लिए सेहतमंद। और आजकल सर्दियां, तो सर्दी में लोग अंडे कई बार खाते हैं, जो नहीं भी खाते कई बार सोचते चलो ठंडी का मौसम उनको खाना चाहिए। तो ये तो झटपट फटाफट 5 मिनट में बनने वाली मेरी डिश है, आप बनाते रहिए और खाते रहिए। अब मैं इसको निकालती हूँ प्लेट में और डालती हूँ सॉस, गैस कर देती हूँ बंद। आपको ये झटपट फटाफट वाली डिश बनानी है, खानी है, मुझे बतानी है। देखिए मैं प्लेट कर देती हूँ, अब मैं इसको डालूंगी सॉस के साथ। ये देखिए आ गया ना आप लोगों के मुंह में पानी, मेरा एग वाला सैंडविच रेडी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको प्लेट करके, उसको खाइए मजे से, लेकिन इसको सॉस के साथ खाइए, हॉट एंड स्वीट सॉस के साथ खाइए, नहीं तो टमाटो सॉस के साथ खाइए।
ये मेरा हो गया रेडी। इसको स्क्रैम्बल एग ब्रेड कोई भी आप नाम लीजिए और डिप कीजिए सॉस के साथ और खाइए मजेदार। ये बच्चों को बहुत ही मजा आएगा। लेकिन आपको जब भी खाना है कोई ना कोई सॉस होनी चाहिए। इसके बाद ग्रीन चटनी मेरे हिसाब से अच्छी नहीं लगती, टमाटो सॉस अच्छी लगती है। बनाइए और खाइए, मजे कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी आपको एक सुनाती हूँ, एक प्यारे से गाने की दो लाइनें। जब तक आप ये देखेंगे और मैं इसको थोड़ा सा बच्चों को खिलाती हूँ, इसके बाद मैं सुनाती हूँ आपको दो लाइनें गाने की। चलिए चलिए, मैं अपने बच्चों को टेस्ट करवा के आ गई। उनको टेस्टी लगा, मस्त लगा। आप भी बनाइए, खाई देखिए कितनी सुंदर प्लेट है। अब मेरी प्यार भरी दो लाइनें सुन लीजिए कि आपको मैं हमेशा मोटिवेट ही करती हूँ। प्यार भरे गाने भी सुनाती हूँ, हेल्दी वाली बातें भी करती हूँ। और आज जो मेरा मन किया आपको सुनाने के लिए दो लाइनें, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो क्या मतलब हुआ कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो अपने खुदा पे, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए। उन मुश्किलों को बोलिए हट जा परे, उसके ऊपर मेरे गॉड है, मेरी एनर्जी है, मेरे भगवान है जो मुझे देखते हैं, जो मुझे संभालेंगे। तो प्यार से खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।